सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हो टेक सिलर। आज हम रियलमी G2 Neo 2 का GCam टेस्ट करने वाले हैं और ये भी बता देंगे कि क्या ये जो इसका कैमरा स्टोर कैमरा उससे बढ़िया है कि नहीं। और जो GCam है ये है 8.1 GCam फॉर रियलमी G2 Neo 2। अगर आपको डाउनलोड कर रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये है जो मतलब GCam का यहाँ पर जो स्लाइड बार है, यहाँ पर शुरू में फ्रंट आप देख सकते हैं कैमरा, इसमें जितने पहले आपको मोड बताता हूँ कौन कौन सा मोड, पहले कैमरा आप देख सकते हैं, फिर वीडियो है और फिर मोड में जाएंगे तो यहाँ पर प्रोनोमा ऑप्शन मिल जाता है, फोटो स्पेयर मिल जाता है, लेंस मिल जाता है। अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में आपको मिलता है जी हाँ। और देख सकते हैं नाइट साइड, तो नाइट साइड तो हम अभी टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रात नहीं है, दिन में करेंगे। नाइट साइड ऐसे भी अच्छा आता है GCam का, लेकिन अब मैं आपको रिजल्ट वीडियो में दे दूँगा। तो पहले चले यहाँ पर अगर हम जाते हैं बैक कैमरे की ओर, हम जाएंगे पहले बैक कैमरे की ओर, कैमरे की तरफ तो जाएंगे। तो पहले हम एक थोड़ा सा मतलब लाइफ ग्रीन पिक्चर्स ले लेते हैं थोड़ा सा GCam। तो देख सकते हैं आप, हमने अभी फ़ोटो लिया था यहाँ पर जो कि GCam से लिया गया है, और जो कि बहुत ही अगर हम बात करें पिक्चर्स की तो काफ़ी जो ओरिजिनल कलर है वो आया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, और फ़ोटो काफ़ी तगड़ी है लग रही है मेरे को। और GT Neo 2 के जो स्टॉक कैमरा उससे मेरे को कैमरा बढ़िया लगा है। यहाँ पर कैमरा जाएंगे तो 1x जूम में। अब हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं 2x करके, थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी का चेक देख कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जी हाँ, यहाँ पर एक बच्ची जंगल में खेल रही थी तो हमने उसे कैप्चर कर लिया है। और जो डिटेक्ट जो मतलब एज इसका डिटेक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा है, आपको पॉइंट पे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती यहाँ पर। और जो हरी बड़ी पेड़ है वो काफ़ी बढ़िया है, तो मतलब अगर हम 2x जूम में भी लेंगे, मतलब सॉरी 1x जूम में भी लेंगे, आप देख सकते हैं अगर फिर से दिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। GCam काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जाएंगे 2x जूम हम देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे 2x जूम, देख सकते हैं 2x हमने यहाँ पर क्लिक किया और मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं 2x जूम काफ़ी ही मतलब 1x से थोड़ा सा डिटेल उतना मतलब थोड़ा सा फटा हुआ फ़ोटो, मतलब फटा हुआ का थोड़ा सा कलर थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा सा हल्का कर दिया, लेकिन बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आया है 2x में भी, तो 2x में कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली तो लोग ज़्यादा यहाँ पर घिसते हैं 1x में ही। अब जाएंगे यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के, पोर्ट्रेट मोड के लिए काफ़ी वेट करते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पर सीन ले लेते हैं। ओ भाई, पोर्ट्रेट मोड काफ़ी मेरे को लगती है इसकी सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट मोड तगड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लग रहा है यहाँ पर जो फ़ोन जो फ़ोटो है वो 50 मतलब 55-60 हज़ार के फ़ोन जैसा फ़ोटो आ रहा है, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप GCam यूज़ करते हो G2 Neo 2 के। मैं यूज़ करता हूँ दोनों 50-50 लिखने में, ज़्यादा यूज़ करता हूँ स्टॉक कैमरा क्योंकि मेरे को उतना जो उसका GCam का कलर उतना पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ही लोग GCam पसंद करते हैं, तो आप ले सकते देख सकते हैं पोर्ट्रेट काफ़ी डिटेल, काफ़ी एक्यूरेट कलर और काफ़ी तगड़ी फोटो निकाल के दे रहा है, और जो इसका ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही तगड़ा हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा पोर्ट्रेट मतलब थोड़ा सा हम ह्यूमन बॉडी को टेस्ट करते हैं कि क्या है पोर्ट्रेट सही से कर पाता कि नहीं। अब देख सकते हैं इसमें मेरा 5 फिंगर है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फ़ोटो देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं फ़ोटो में, तो पता नहीं क्यों इतनी तगड़ी फोटो आ रही ना फ़ोटो कि मैं बताए भी ना आप यहाँ पर जान जाओगे कि फ़ोटो कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा कलर है वही है सेम टू सेम बॉडी का, और जो ग्रीन का आप देख सकते हैं वीडियो अब लाइव देख सकते हैं, मेरा यही कलर है यही आ रहा है फ़ोटो में, जो कि कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आपको लेके जा रहे हैं सीधा इसके यहाँ पर, पोर्ट्रेट दिखा दिया, कैमरा भी दिखा दिया, अब सीधे ले जाएंगे वीडियो में आपको यहाँ पर 1x वीडियो 2x वीडियो। आपको बता दूँ इसमें कि इसमें जो स्लो मोशन दिया है और टाइम लेस इसमें पता नहीं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस नॉर्मल फ़ोटो में वीडियो 1x 2x सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए गाइस सॉरी 8.1 जिसका GCam है। मेरे को लगता है आप स्लो मोशन और टाइम लैप्स अपने स्टॉक कैमरा से कर सकते हो। चलिए वीडियो कर लेते हैं, सब वीडियो हम जाएंगे दूर भी थोड़ा स्काई का भी ले लेंगे, और थोड़ा पास भी हम ले सकते हैं, पास भी जाएंगे कि पोर्ट्रेट कर रहा है कि नहीं। यह देखा ये भाई, काफ़ी तगड़ी इसकी
जो पोर्ट्रेट सीन है काफ़ी तगड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको दिखाता हूँ वीडियो, तो आप देख सकते हैं ये सब वीडियो। हम जाएंगे दूर के, दूर भी थोड़ा स्काई का भी ले लेंगे और थोड़ा पास भी हम ले सकते हैं, पास भी जाएंगे। तगड़ा पोर्ट्रेट काफी अच्छी पोर्ट्रेट कर रहा है कि नहीं, ये देखा आपको, काफी तगड़ी इसकी जो पोर्ट्रेट सीन है काफी तगड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं जी सब वीडियो हम जाएंगे दूर के, दूर भी थोड़ा स्काई का भी ले लेंगे और थोड़ा पास भी हम ले सकते हैं, पास भी जाएंगे। ये अच्छा लगता है कि रियलमी जैसे पोर्ट्रेट कर रहा है कि नहीं, ये देखा फोन काफी तगड़ी इसकी जो पोर्ट्रेट सीन है काफी तगड़ी आ रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल में दिखा दिया, लेकिन स्लो मोशन टाइमलेस में भी वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आपको एक मिनट में थोड़ा सा आपको, अगर मोर में जाएंगे तो प्रोनोमा भी देख सकते हैं। तो प्रोनोमा आजकल उतना लोग यूज नहीं करते हैं, जो कि मेरे को नहीं पता। फोटोस्फीयर में जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो आप चारों तरफ से फ़ोटो यहाँ पर खींच सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इसका 360 फ़ोटो खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं रिजल्ट भी दे दूंगा, देखिए ये लगा, ये जो फ़ोटो आया ना, फ़ोटो पता नहीं एक्चुअली आया क्यों नहीं मुझे, हाँ देखिए ये फ़ोटो आया, देख सकते हैं आप इसे ऐसी तरह खींच सकते हैं। यहाँ पे 360 आप ही खींच सकते, देखिए आप इसे देख सकते हैं अभी वीडियो की ओर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था Realme GT Neo का GCam वीडियो। आपका अगर कोई वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना भाई लोग, और मैं ऐसी ही वीडियो GCam की तरह लाते रहूँगा, आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। और हाँ भाई, एक बार तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फ्रंट कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पर कैमरा में जाकर, हाँ तो देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो लिया और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका फ्रंट कैमरा है उस मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, उतना मतलब क्या बताऊँ, कुछ परेशानी हो सकती है। देख सकते हैं डिटेल में तो कोई कमी नहीं है, डिटेल में कोई कमी नहीं, हाँ लेकिन फ़ोटो तब भी बढ़िया है GCam का फ्रंट वीडियो कैमरा। मैं इसलिए फ्रंट नहीं बनाया क्योंकि फ्रंट उतना अच्छा नहीं था, आप लोग को एक्चुअली बताता रहा हूँ, टाइम क्या वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रंट में आप उतना इसको नहीं देखिएगा उतना, फ्रंट यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉक कैमरा यूज़ करिए। एक बार और ले लेते हैं हम थोड़ा दूर से, तो हमने एक देखिए दूर से लिया, देखिए जो थोड़ा जो फेस है मेरा ऐसा फेस नहीं है, आप देख सकते हैं मैं अपना फेस तो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा ऐसा फेस है, थोड़ा सा रेडिश कर दे रहा। और पोर्ट्रेट में भी आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी मतलब पोर्ट्रेट एक शॉट ले लेता हूँ, देखिए देखिए पोर्ट्रेट में भी थोड़ा सा लाल कर, हाँ लेकिन पोर्ट्रेट जो कर रहा है बहुत ही बढ़िया कर रहा है, तो उतना मेरे को फ्रंट में यूज़फुल नहीं लगा, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।